नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSC आदमपुर में। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर आप सीखेंगे कि ओल्ड जीमेल से न्यू जीमेल पर आप अपना YouTube चैनल कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक छोटा सा और बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच चुके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपको अपने चैनल का डैशबोर्ड ओपन करना है। जैसे ही आप अपने चैनल का डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, उसमें से एक लास्ट सेकंड ऑप्शन है सेटिंग का। आपको उस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैनेज परमिशन पर आपको क्लिक करना है। मैनेज परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्रांड अकाउंट्स की डिटेल्स आ जाएगी। इस डिटेल के आने के बाद आप उसी ऑप्शन यानी कि मैनेज परमिशन पर दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको आईडी पासवर्ड यानी कि आईडी तो आपके ऊपर शो हो रही है, यह आपसे आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड पूछेगा। यानी कि ये वेरीफाई करना चाहता है कि जो डिटेल आप दे रहे हो वो सही है या नहीं है। अगर आपकी ही मेल है तो आपको पासवर्ड पता होगा। जैसे कि इसके अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन भी चालू किया गया है, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन की डिटेल भी डाली जाएगी। यानी कि जो यूट्यूब है और जो गूगल है वो जो इसकी जो वेरिफिकेशन है वो अच्छे से करेगा कि कल को आपका अकाउंट हैक ना हो जाए। तो ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसमें वेरिफिकेशन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप देखिए, मैं आपको इसमें मेरी वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम दिए गए बॉक्स में अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन चला जाएगा। उस नोटिफिकेशन को देख कर हमें 81 प्रेस करना है और जैसे ही हम 81 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पहले जैसा ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब अगर आप मैनेज परमिशन पर क्लिक करते हो तो वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा बल्कि आपको एक परमिशंस के लिए मतलब कि एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ऐड न्यू यूज़र के ऑप्शन पर आपको कोई भी दूसरी मेल डालकर उसको ऑनर प्लेस करके इनवाइट करना है। यानी कि आप अपनी कोई भी जो नई मेल है उसको आप इनवाइट कीजिए। इनवाइट करने से इनवाइट आपकी जीमेल के एक मेल आएगी, उस मेल में इन्विटेशन चला जाएगा। ये मेरी मेल के अंदर इन्विटेशन पहुँच चुका है, यानी कि यहाँ पर यह स्क्रीन ब्लर हो चुकी है, लेकिन मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ उससे आप कीजिए। आपने जो नई मेल डाली है, नई मेल डालने के बाद आप उस मेल के अंदर जाइए जीमेल के अंदर, और जीमेल के अंदर आपको जो फर्स्ट मेल मिलेगी वो इसी की मिलेगी कि आपको किसी दूसरी मेल के यूट्यूब चैनल ने इनवाइट किया है कि आप हमारी जो ओनरशिप है वो लीजिए। उसको आपको एक्सेप्ट इनविटेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके एक्सेप्ट इनविटेशन पर क्लिक करोगे तो आप उसके अंदर ओनर बन जाओगे, यानी कि उस चैनल के ओनर अब आप हो। लेकिन उसके अभी तक आप प्राइमरी ओनर नहीं बन पाए हो, क्योंकि प्राइमरी ओनर बनने के लिए अभी आपको 7 दिन का यानी कि 7 डेज का टाइम लगेगा, और वो टाइम पीरियड कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो 7 डेज़ का टाइम पीरियड कंप्लीट करोगे उसके बाद में आप अपनी न्यू जीमेल को प्राइमरी ओनर भी बना सकते हो। अभी के लिए जो आपकी नई मेल है वो ओनर होगी, सिर्फ प्राइमरी ओनर नहीं होगी, और पुरानी मेल और नई मेल दोनों पर ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल शो होगा, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा आपको नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है आपके लिए न्यू पुरानी मेल से नई मेल पर अपने यूट्यूब चैनल को ट्रांसफ़र करने का। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल नई मेल पर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा जो ओनर है, जो मैंने मेल एक्सेप्ट की है, वो मेल एक्सेप्ट हो चुकी है और मैं इसके अंदर ओनर मार्क हो चुका हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप मैनेज परमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओनर शो होगा। अब इसको प्राइमरी ओनर बनाने के लिए नीचे देखिए एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है कि 7 दिन बाद ही आप कोई चैनल को प्राइमरी ओनर बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने डन पर क्लिक किया, अब ये चैनल दोनों मेल पर शो होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे।
अब आप मैनेज परमिशन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने मेल डाली थी और उसका रोल जो आपने ओनर इनवाइट किया था वो ओनर जो है इनवाइट हो चुका है। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है, यानी कि आपने जो ओनर इनवाइट किया था वो इनवाइट हो चुका है और ओनर बन चुका है। अब ये ओनर को हम प्राइमरी ओनर बनाएंगे 7 दिन के बाद। इसमें 7 डेज़ का समय लगेगा। 7 डेज़ के बाद हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे जिसके अंदर की ओनर से प्राइमरी ओनर बना जाएगा। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बने रहे हमारे साथ। ऐसे ही आपके सहयोग से हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए और आपको दिखाते रहेंगे। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं, यूट्यूब में पार्टनर प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक और आपको मोबाइल नंबर और डिटेल मिल जाएगी। उस डिटेल को उठाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उससे कांटेक्ट कर अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करवा कर एक अच्छी खासी इनकम की अर्निंग कर सकते हैं। तो जिन भाइयों ने यूट्यूब चैनल बना रखा है और उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि उनका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनका चैनल मोनेटाइजेशन करके देंगे। यानी कि हमने अभी ये बेड़ा उठाया कि कोई भी हमारा यूट्यूबर भाई है वो बिना मोनेटाइजेशन के नहीं रह पाएगा, यानी कि हम उसको मोनेटाइजेशन चैनल करके देंगे। यानी कि अगर आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है, तो वो हम डाल के देंगे आपको। आपके उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ही एक जायज़ चार्जेस के साथ हम आपको ये सुविधा देंगे। तो आप अगर अपना YouTube चैनल मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें आज ही। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, हमारी मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी नई वीडियोज़ बनाने की। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी आपके साथ ग्रो होने का मौका मिलेगा। और कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर प्रकट करें कि आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, क्या आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई या कुछ रह गई। अगर आपको कोई भी समस्या आती है चैनल को ट्रांसफ़र करने में, या आपके चैनल पर किसी भी प्रकार की स्ट्राइक वगैरह या रीयूज कंटेंट आता है, तो उसका भी समाधान हमारे यहाँ से किया जाएगा। तो आज से बिल्कुल बेफिक्र रहें और YouTube पर काम कर एक अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो अर्निंग करने के लिए और अपने चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच हावर्स कंप्लीट करके देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट में कुछ अपने डाउट्स या फिर जो आप हमें बताना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।